हर हर महादेव। नमस्कार, कलयुग प्रथम चरण में आपका स्वागत है। मैं यही प्रभु से कामना करता हूँ कि कहीं भी आप लोग रहें, खुशहाल रहें, हंसते रहें और मुस्कुराते रहें। आज हम इस वीडियो में एक बेजोड़ उपाय दे रहा हूँ। अगर आपके जीवन में मान सम्मान की कमी हो, आपके बातों का कोई स्वागत नहीं करता हो, अपने ही घर में आपके बातों का उल्लंघन होता हो, आपको कहे अनुसार घर में कोई व्यक्ति कार्य नहीं करता हो, और इसके अलावा अगर आप कहीं जाते हैं अपने साथ समाज में या व्यापार बिजनेस में हो, वहां भी यह भरपूर सहायता करेगा। तो मित्रों, इस उपाय को अगर आप कर लेते हैं तो आप किसी से भी अपना बात को मनवा सकते हैं और वह व्यक्ति आपका बन जाएगा, चाहे वह घर परिवार में हो या बाहर हो। आप कहीं भी जाएंगे और आपके संपर्क में आने वाले, आप जो जो बात कहेंगे उसमें सभी बातों में हां मिलाने के लिए लोग तैयार हो जाएंगे। और आपका मान सम्मान काफी बढ़ जाएगा, आपके बातों का वैल्यू बढ़ जाएगा। और इसके अलावा इसके अंदर अचानक धन की भी प्राप्ति होती है। इसके अंदर ऐसा शक्ति है, और जहां भी आप जाते हैं किसी भी पार्टी में या फंक्शन में, तो वहां आपसे मिलने जुलने वाले सब आपके हां में हां भरने के लिए तैयार। तो मित्रों, इसके लिए आपको क्या करना होगा? मित्रों, इसके लिए आपको अंबा हल्दी लेना होगा। तो मित्रों, हिंदी में अंबा हल्दी बोलते हैं और हमारे भोजपुरी भाषा में अमरस बोलते हैं। तो अंबा हल्दी क्यों बोलते हैं, अमरस क्यों बोलते हैं? मित्रों, यह चटनी के काम में आता है, तो इसका चटनी आम के जैसा ही लगता है। अगर किसी को दे दिया जाए चटनी बनाकर तो वही बोलेगा कि आम का ही है, इसलिए अंबा हल्दी और अमरस बोला जाता है, और लोग चटनी के लिए ही लगाते हैं। हमारे देहातों में बहुत घरों में लगा हुआ है, हमने भी लगा रखा है। तो मित्रों, यह देख लीजिए कैसा होता है, एक हल्दी का ही एक प्रजाति है, लेकिन ये पीला नहीं होता है। मित्रों देखिए, यह जो है यही अमरस है, देखिए हल्दी का ही जैसा है, लेकिन इसके अंदर पीलापन नहीं होता है। मित्रों यह देखिए, यह सफेद रंग का होता है, देखिए ये देखिए सफेद होता है, इसीलिए यह चटनी के काम में आता है। मित्रों, तो आपको कहीं से एक छोटा सा टुकड़ा ले लेना है, किसी के घर से मांग लीजिए या मार्केटों में भी मिलता है, कच्चा लेना होगा आपको, और कच्चा लाकर एक छोटे से गमले में हल्की वाली मिट्टी लाकर डालें गमले में, ताकि मिट्टी बैठे ना, भुरभुरी मिट्टी हो, और इसी को उसमें लगा दें। इसमें दिनवार की कोई जरूरत नहीं है, किसी भी दिन को लगाइए, किसी भी दिन को खोदिए और लगाकर इसको देखते रहिए कि यह कब जम रहा है, इसका अंकुर कब निकल रहा है। जब जमीन के बराबर आ जाए इसका अंकुर निकल के, बस उसी समय इसको खोद के निकाल लेना है,
और अपने घर में इसको रख के खूब सुखाइए ताकि इसमें कचापन रह न जाए। जब सूख जाएगी तो बिल्कुल छोटी हो जाएगी, और जब खूब सूख जाए, इसमें कोई टाइम नहीं है, जितना समय लगे इसको सुखा लीजिए। अब सूख जाने के बाद इस हल्दी को अपने जेब में या पर्स में रख कर कहीं जाएं, या घर पर भी हैं तो इसको रखें, अगर घर से मतलब है कि घर वालों को हम अपना बात मनवाएं, हम जो कहें वो करें, तो हमेशा रखना है ये नहीं कहें। अगर घर से बाहर जाते हैं किसी से मिलने या किसी फंक्शन में किसी पार्टी में, तो इसको रखिए। तो जितने लोग अब आपके संपर्क में आएंगे वो आपके बनते जाएंगे, आपके हाँ में हाँ मिलाते जाएंगे, आपके बड़े से बड़े काम बनते जाएंगे, और अचानक धन की भी प्राप्ति होती है। यह एक शक्तिशाली गुण वाला अंबा हल्दी है। ऐसे बताया जाता है कि कुछ इस हल्दी के ऊपर दिव्य शक्तियों का भी छाया होता है। तो मित्रों, यह एक छोटा सा उपाय, और वही व्यक्ति जो आपका बात नहीं मानता था वह आपके पीछे पीछे दौड़ेगा, हाँ में हाँ मिलाएगा, जो कहेंगे करने के लिए तैयार होगा, चाहे वो घर हो या बाहर, इसका प्रभाव उतना ही रहेगा। तो साथियों, यह एक छोटा सा उपाय आप करके अजमा कर देखें। तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस वीडियो में इतना ही, और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।